Hello everyone, I hope you all are doing great. So today in this video we'll be covering the second kind of guardianship, that is guardianship of person of minor for custody. I have already made two videos of guardianship. The very first was covering the basic introduction of guardianship, and the second was related to the first kind of guardianship, that is guardianship of marriage. ठीक है, तो अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें देखें सीरीज में, तब इसमें आप प्रोसीड करें, और उनके वीडियोस के लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीव कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या है, गार्जियनशिप ऑफ पर्सन ऑफ माइनर। तो माइनर की गार्जियनशिप कैसे कैसे होती है, कौन कौन से पर्सन एंटाइटल होते हैं, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इन केस ऑफ कस्टडी गार्जियनशिप हैज टू बी स्टडीड विद रेफरेंस टू द एज ऑफ माइनर एंड इज रिलेशनशिप टू द गार्जियन। तो जो गार्जियनशिप ऑफ माइनर होती है, किस कंटेक्स्ट में स्टडी की जाती है कि माइनर की एज क्या है और उसका गार्जियन के साथ रिलेशनशिप क्या है, इस बेसिस पे इसकी गार्जियनशिप जो है वो डिसाइड की जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो राइट है वो मदर का है। तो हनफी लॉ या सुन्नी लॉ की अगर हम बात करें, तो इन दिस द मदर इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ हर मेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स तक की एज तक जो मेल चाइल्ड है वो मदर की कस्टडी में रहता है, एंड फीमेल चाइल्ड इज अंटिल द कस्टडी ऑफ मदर टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज मतलब 15 ईयर्स तक की एज तक जो गर्ल चाइल्ड है वो अपने मदर के पास रहती है, और मेल जो है मतलब जो बॉय चाइल्ड है वो 7 ईयर्स की एज तक। हम शिया लॉ की बात करें, तो इन शिया लॉ मदर इज एंटाइल्ड टू द कस्टडी ऑफ हर मेल चाइल्ड टिल द एज ऑफ 2 ईयर्स एंड ऑफ फीमेल चाइल्ड टिल द एज ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, शिया लॉ में 2 साल तक की एज तक जो मेल चाइल्ड है वो मदर के पास रहता है, और 7 ईयर्स तक की एज के साथ फीमेल चाइल्ड होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास फीमेल रिलेशंस इन डिफॉल्ट ऑफ मदर। मतलब इन केस ऑफ मदर नहीं है या मदर इनकैपेबल है गार्जियनशिप करने में, तो कुछ सर्टेन फीमेल रिलेशंस होते हैं जो कि गार्जियनशिप को डील करते हैं। तो अंडर हनफी लॉ फेलिंग द मदर द कस्टडी ऑफ बॉय अंडर द एज ऑफ 7 ईयर एंड अ गर्ल अंडर द एज ऑफ प्यूबर्टी, इट गोज टू द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, सर्टेन फीमेल रिलेटिव्स हैं उनके पास चली जाती है गार्जियनशिप का राइट। तो देखते हैं कौन कौन से फीमेल रिलेटिव्स हैं। पहला है हमारा मदर्स मदर, हाउ हाई सो एवर, मतलब नानी जो होती है। सेकंड फादर्स मदर, मतलब दादी। फुल सिस्टर, यूट्रीन सिस्टर, कंजेंग्विन सिस्टर, फुल सिस्टर्स डॉटर, यूट्रीन सिस्टर्स डॉटर, कंजेंग्विन सिस्टर्स डॉटर, मेटर्नल आंट एंड पैटर्नल आंट। ठीक है, ये याद करने की चीज़ है, सीरीज में याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। देखिए, मदर्स मदर, फादर्स मदर, फुल सिस्टर, यूट्रीन सिस्टर, कंजेंग्विन सिस्टर, फुल सिस्टर्स डॉटर, यूट्रीन सिस्टर्स डॉटर, कंजेंग्विन सिस्टर्स डॉटर, मेटर्नल आंट एंड पैटर्नल आंट। ठीक है, ये कुछ फीमेल रिलेशंस हैं। अभी थर्ड आती है कैटेगरी अदर मेल रिलेशंस, मतलब अगर मदर एंड फीमेल फीमेल रिलेशंस दोनों के डिफॉल्ट में अब गार्जियनशिप किसके पास आ जाएगी, फीमेल रिलेशनशिप के पास। तो वो कौन कौन से हैं, सो इन डिफॉल्ट ऑफ द मदर एंड अदर फीमेल रिलेशंस राइट ऑफ कस्टडी इन हनफी लॉ बिलोंग्स टू द फॉलोइंग पर्संस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फादर, देन नियरेस्ट पटर्नल ग्रैंड फादर, देन फुल ब्रदर, कंजेंग्विन ब्रदर, फुल ब्रदर्स सन, कंजेंग्विन ब्रदर्स सन, फुल ब्रदर ऑफ फादर, कंजेंग्विन ब्रदर ऑफ फादर, सन ऑफ फादर्स फुल ब्रदर एंड सन ऑफ फादर्स कंजेंग्विन ब्रदर। वही चीज़ है, ये भी आपको रटना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि ऐसे याद कर लो या वैसे याद कर लो। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। दोबारा बोलती हूँ मैं, फादर nearest paternal grandfather, full brother, consanguine brother, full brother's son, consanguine brother's son, full brother of father, consanguine brother of father, son of father's full brother and son of father's consanguine brother। बहुत ईजी है, सिंपल है, याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फादर के पास क्या क्या राइट है, या किस एज में फादर के पास कस्टडी जाती है माइनर। अब चले पढ़ते हैं हनफी लॉ में। सो अंडर हनफी लॉ फादर इज एंटाइटल टू द कस्टडी ऑफ अ बॉय ओवर 7 ईयर्स ऑफ एज एंड ऑफ अनमैरिड गर्ल ओवर प्यूबर्टी। मतलब वही चीज़ है जो हमने पढ़ा था मदर में, क्या था कि 7 साल की एज तक तो वो मेल चाइल्ड को रखती है, और 15 साल की एज मतलब प्यूबर्टी की एज तक वो फीमेल चाइल्ड को रखती है। तो हनफी लॉ में वही है कि 7 साल के बाद जो कस्टडी चली जाती है वो फादर के पास चली जाती है, और 15 साल के बाद जो कस्टडी चली जाती है वो फादर के पास चली जाती है फीमेल चाइल्ड के कंटेक्स्ट में। सेम इज विद शिया लॉ, जैसे शिया लॉ में मदर में क्या था कि टिल 2 ईयर्स ऑफ एज ऑफ बॉय इट इज इन द कस्टडी ऑफ द मदर, एंड इट टिल 7 ईयर्स ऑफ एज इट इज इन द कस्टडी ऑफ द मदर। अभी यहाँ पे अबव 2 ईयर्स ऑफ एज द बॉय चाइल्ड इज इन द कस्टडी ऑफ फादर एंड द अनमेरिड गर्ल ऑफ द 7 ईयर्स ऑफ एज।
क्लियर इट इज, देयर इज नो कंफ्यूजन पॉइंट, बहुत सिंपल सा है ये. नाउ नेक्स्ट इज हस्बैंड का क्या रोल है गार्डियनशिप के अंदर. तो हस्बैंड इज नॉट एंटाइल्ड टू द कस्टडी ऑफ हिज माइनर वाइफ अनलेस अनलेस शी अटेन्स अ प्यूबर्टी और सच एन एज एज वुड परमिट द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज. द मैरिज इज एंटाइल्ड टू द कस्टडी ऑफ माइनर मैरिड गर्ल एज अगेंस्ट हर हस्बैंड. इसमें क्या बोल रहा है कि हस्बैंड जो है वो तब तक अपनी माइनर वाइफ की कस्टडी के लिए एंटाइटल नहीं होता है जब तक वो प्यूबर्टी की एज अटेंड ना कर ले. और प्यूबर्टी की एज इसेंशियल एलिमेंट होता है मुस्लिम मैरिज के अंदर, ठीक है. तो जैसे ही वो अपना प्यूबर्टी एज कंप्लीट कर लेगी हस्बैंड के पास राइट आ जाएगा कंज्यूमेशन का भी और उसकी कस्टडी का. तो तब तक क्या होगा, जब तक वो गर्ल माइनर है और या फिर वो उसने प्यूबर्टी का एज अटेंड नहीं किया और उसकी मैरिज हो चुकी है, तो तब तक मदर जो है वो उस मैरिड गर्ल की कस्टडी को अपने पास रखती है, ठीक है, उसको एंटाइटल करती है. तो ये हस्बैंड के कंटेक्स्ट में हो गई गार्जियनशिप. अभी हम देखते हैं कि जो कस्टडी या फिर जो ये गार्जियनशिप होती है या हिजनत भी बोलते हैं उसका नेचर क्या होता है. तो ये जो नेचर है वो एक केस लॉ से समझाया गया है. केस का नाम है इमामबंदी वर्सेस मुतसदी. मुतसदी इमामबंदी वर्सेस मुतसदी. इन दिस केस इट वॉज ऑब्जर्व दैट इट इज परफेक्टली क्लियर दैट अंडर मुस्लिम लॉ द मदर इज एंटाइटल्ड ओनली टू द कस्टडी ऑफ द पर्सन ऑफ हर माइनर चाइल्ड अप टू अ सर्टेन एज अकॉर्डिंग टू द सेक्स ऑफ चाइल्ड. But she is not natural guardian. The father alone, or if he is dead, his executor is the legal guardian. इसमें ये बोला है कि भले ही हमने अभी पढ़ा कि मुस्लिम लॉ के अंदर मदर के सर्टेन एजेस के अकॉर्डिंग कस्टडी प्रोवाइडेड है अपने माइनर चाइल्ड की, लेकिन फिर भी वो नेचुरल गार्जियन नहीं होती है. फादर ही सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गार्जियन होता है एक माइनर चाइल्ड का, और अगर वो नहीं है तो उसकी एब्सेंस में वो जिसे भी एग्जीक्यूटर बना के गया है, जिसे भी लीगल गार्जियन बना के गया है, वो होता है नेचुरल गार्जियन. ये इस केस में हेल्ड हुआ था इमामबंदी वर्सेस मुतसदी. अभी हम गार्जियनशिप ऑफ माइनर के अंदर कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं कि किस किस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है अलग अलग हेडिंग के अंदर. ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन विच टर्मिनेट्स द राइट ऑफ गार्जियनशिप मे बी डिवाइडेड इनटू फाइव हेड. पांच हेडिंग में गार्जियनशिप टर्मिनेट हो जाती है. जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है वो पढ़ेंगे. फिर डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्टिंग फीमेल्स, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं जितने फीमेल गार्जियन होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं. देन अफेक्टिंग द मेल, अफेक्टिंग द पेरेंट एंड अफेक्टिंग द हस्बैंड. ठीक है, एक एक करके देखते हैं. ये लास्ट टॉपिक होगा आई गेस इसके अंदर माइनर प्रॉपर्टी, माइनर के अंदर गार्जियनशिप में. फिर हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे प्रॉपर्टी और गार्जियनशिप हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, पहला देखते हैं गार्जियनशिप डिस्क्वालिफिकेशन. जनरल डिस्क्वालिफिकेशन क्या है. अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ एनी माइनर अदर देन हिज ओन वाइफ और चाइल्ड. तो ये सिंपल है, हमने पहले भी पढ़ा था कि एक माइनर खुद दूसरे माइनर का गार्जियन नहीं हो सकता. तो एक जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है ये. लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि अगर एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक पेरेंट जो है वो नॉन मुस्लिम है, तो जो दूसरा पेरेंट होगा उसको बच्चे की कस्टडी को एंटाइटल किया जाएगा चाहे उसकी कोई भी एज क्यों ना हो. ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा जनरल डिस्क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्क्वालिफिकेशंस अफेक्टिंग द फीमेल्स. सो द मदर और एनी अदर फीमेल एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ द माइनर लॉसेस दैट राइट इन द फॉलोइंग केसेस. इन फॉलोइंग केसेस में वो अपना राइट जो है वो लूज कर जाती है. पहला है इफ शी इज इमोरल, लाइक शी इज कमिटेड अडल्ट्री, शी हैज बिकम अ प्रोस्टिट्यूट, शी हैज कमिटेड एनी क्रिमिनल ऑफेंस, और शी इज अ प्रोफेशनल सिंगर और मोनर. ठीक है, इसमें कुछ समझाने की मुझे नीड नहीं आएगा. नेक्स्ट इफ शी गोज एंड रिसाइड्स एट सच अ प्लेस या सच अ डिस्टेंस फ्रॉम द फादर्स प्लेस ऑफ रेसिडेंट ड्यूरिंग सब्सटेंस ऑफ मैरिज. मतलब अगर जो मदर है बच्चे की वो अपने अगर उसकी शादी टूटी नहीं है, मतलब उसके देर इज सब्सटेंस ऑफ मैरिज, और उस दौरान वो अपने फादर अपने हस्बैंड की प्लेस से उसके घर से कहीं दूर जाके रहती है, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है. ठीक है, वो एज अ मदर फिर अपने बच्चे की कस्टडी नहीं एंटाइटल कर सकते. देन थर्ड इफ शी मैरीज अ पर्सन नॉट रिलेटेड टू द चाइल्ड विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री. मतलब अगर वो ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती है जो उसके जो बच्चा है उसके प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आ रहा है, तो भी उसकी जो गार्जियनशिप है वो वॉइड या वो सीज हो जाएगी. एंड ऑल्सो इफ शी नेग्लेक्ट और इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. अगर वो बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही है, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर रही है, इनकेपेबल है उसका ध्यान रखने में, उसकी केयर करने में, तब भी वो अपनी गार्जियनशिप को लूज कर देगी. ठीक है, ये था हमारा गार्जियनशिप अफेक्टिंग द फीमेल्स.
अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गार्जियनशिप अफेक्टिंग द मेल्स. या सो डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्टिंग मेल्स. इट्स अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ दैट नो मेल इज इंटाइटल टू द कस्टडी ऑफ अ फीमेल माइनर हु इज नॉट रिलेटेड टू हिम विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री. मतलब किसी भी माइनर को, किसी भी मुस्लिम को ये क्या नाम है एंटाइटलमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है फीमेल माइनर का जो उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आती. ठीक है, तो जरूरी है कि जो वो माइनर फीमेल है वो उसके प्रोहिबिटेड डिग्रीज में हो तभी उसको एंटाइटलमेंट दिया जाएगा गार्जियनशिप ऑफ माइनर ऑफ कस्टडी. इसमें एक पॉइंट और है, और जैसे हमने पीछे पढ़ा था अगर वो अपोस्टेट हो जाता है ठीक है तब भी उसकी जो गार्जियनशिप है वो सीज हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज गार्जियनशिप या डिस्क्वालिफिकेशन दैट इज अफेक्टिंग द पेरेंट्स. सो द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स वेयर द कोर्ट विल इंटरफेयर विद द फादर्स गार्जियनशिप ऑफ हिज चिल्ड्रन. ठीक है, फादर की जो गार्जियनशिप है उसको इंटरफेयर करेगा कोर्ट. अगर ये ग्राउंड्स होते हैं तो उसकी जो गार्जियनशिप है वो सीज कर दी जाएगी, डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी. तो पहला है इफ़ ही इज अनफिट इन करेक्टर एंड कंडक्ट. वो अनफिट है करेक्टर और कंडक्ट में, उसका करेक्टर अच्छा नहीं है, उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है. इफ ही इज अनफिट एज रिगार्ड्स एक्सटर्नल सर्कमस्टांस, किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांस की वजह से ही इज अनफिट. इफ ही वेव्स इज राइट, जो उसको राइट्स गिवन है ठीक है कस्टडी से रिलेटेड गार्जियनशिप से रिलेटेड वो उसे वेव करता है. एंड इफ ही इज आउट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, अगर वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से ही बाहर है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. अभी फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्टिंग द हस्बैंड. तो अंडर मुस्लिम लॉ अ हस्बैंड इज नॉट एंटाइटल टू द कस्टडी ऑफ हिज माइनर वाइफ अनलेस ही अटेन्स द प्यूबर्टी और टू सच एज एज वुड परमिट द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज. ये चीज हम वही पढ़ चुके हैं कि एक हस्बैंड को जो कस्टडी है वो तब तक नहीं मिलेगी अपनी वाइफ की जब तक वो जो वाइफ है वो प्यूबर्टी की एज ना अटेन कर ले, या फिर वो एज अटेन कर ले जब तक जब उसके कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज जो है वो परमिट हो जाती है और अलाउड हो जाती है. ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था कि तब तक उस दौरान जब तक उसकी वाइफ प्यूबर्टी अटेन नहीं करती है जो उस फीमेल मैरिड जो गर्ल होती है उसकी जो कस्टडी होती है उसके मदर के पास चली जाती है. ठीक है, तो ये हो गए डिस्क्वालिफिकेशन. डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से हुए? डिस्क्वालिफिकेशन जनरल थे, फीमेल से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड, और फादर से रिलेटेड और हस्बैंड से रिलेटेड. उससे पहले हमने पढ़ा कौन कौन से पर्सन एंटाइटल्ड होते हैं. पहले मदर थी, फिर उसकी एजेस थी शी और सुन्नी में अलग अलग, फिर सर्टेन फीमेल रिलेशंस थे, फिर मेल रिलेशन में पढ़ा हमने फादर को पर्टिकुलर. ठीक है, सो दिस इज इट ऑफ द गार्जियनशिप ऑफ पर्सन ऑफ माइनर. इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी द फाइनल वीडियो ऑन द गार्जियनशिप वी विल बी कवरिंग गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी इट्स सर्टेन टाइप्स and the difference between the guardianship of Sunni laws and Shia law. So thank you so much guys for watching this video. If you really like the video, do click on the thumbs up button. Do subscribe the channel if you are new subscriber to our channel. And yeah, do click on the bell icon so that you can receive the latest notification of our channel. For any query, any doubt or for how did you like the video, do write in the comment section. Till then, bye-bye, take care.